हेलो 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 व्हाट हैपन, आवाज आ रहा है? ऑडिबल, विजिबल? हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो, और डलवा दो ना ग्रुप में। हाँ चलो भाई, क्या है? गुड मॉर्निंग का टाइम है, गुड आफ्टरनून का टाइम है? कौन सा टाइम है? गुड आफ्टरनून का है क्या? ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सारे जल्दी से, हम लोग मैक्सिमम बच्चों के ज्वाइन होने के लिए 3 से 4 मिनट वेट करेंगे। करेक्ट 12:15 को सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्या नहीं नहीं पाने, ठीक। कौन सी? नहीं नहीं बेटा, अरे किधर, ये क्या होता, ये क्या होता? एसी की है क्या? चालू कर लो बेटा, पूरा वसूल कर लो ना, पूरा ही वसूल कर लो। चलो भाई, ये बीच के कहां गए? ये गैप काहे पड़ गया है बीच में? क्या हो गया? इधर बैठने के, आ जा। वो कहा है मोए मोए का है क्या? हाँ है ना, क्या? वेरी गुड बेटा, चलो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों करेंगे क्या शुरू? बहन जी किसका बजा? तू ऐसा क्या देखते रहता ते बेटा, तेरे जैसे लक्षण है ना, मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि तेरे इंस्टाग्राम रील पे भी गेट रेडी विथ मी आता होगा और तू देखता भी होगा वो। और लड़कियों के नहीं बेटा, लड़कों के गेट रेडी विथ मी देखता होगा तो क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये इससे अच्छा तो फिर ये लोग बोलते और बोलते कि क्लास में नाच गाना करते, ये तो पार्लियामेंट में कर रहे। बस 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 बस, चलो भाई करेंगे क्या शुरू? यस सर नो मैडम? ओ मैडम जा, सर हो गया, ठीक है ध्यान दो। चलो करेंगे शुरू। सबसे पहले 5-10 मिनट में जो भी कल देखा था क्या करेंगे, और फिर आज उसी को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। बोलो हाँ है ना। कल इनकम स्टेटमेंट देखी थी क्या सारे? बोलो इनकम स्टेटमेंट देखी थी क्या? अब सेटल हो जाए ना, लगभग 1 घंटा है। अपने को पता है आखिरी 15 मिनट तो अपना रिवीजन में ही जाता, मतलब इन शॉर्ट अपने पास 1 घंटा है पढ़ने के लिए, ठीक है? तो 1 घंटे में भी ध्यान नहीं दे सकते क्या? मतलब 1 घंटा भी ध्यान नहीं दे सकते क्या? चलो भाई करेंगे शुरू। बोलो इनकम स्टेटमेंट हमने FM का अल्टीमेट पर्पस क्या है? बोलो, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करने तो कितने डिसीजन लेने पड़ेंगे? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, सारे बोलोगे फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? पैसा कहां से आएगा और कितने कॉस्ट पर आएगा? इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? पैसा कहां पर लगेगा और उस लगाए हुए पैसे पर मैं कैसे मैक्सिमम कमाऊंगा? बोलो हाँ है ना। अब लगाए हुए पैसे पे जो भी मैंने कमाया है उसमें से मुझे कितना डिविडेंड बांटना है और कितना मुझे रिटेन करके रखना है, ये कौन सा चैप्टर बताते हैं बेटा? डिविडेंड डिसीजन। बोलो हाँ है ना। कल हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के सबसे पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करा क्या? कौन सा चैप्टर था बेटा? दैट वॉज द चैप्टर ऑफ लेवरेज। अब क्या आपके न्यू सिलेबस के स्टडी मैट में आपको लेवरेज नाम का अलग से चैप्टर देखने मिलेगा?
कि नहीं देखने मिलेगा? बड़ा चैट सेक्शन में अभी जो पूछू उतना ही जवाब देना, ठीक है? जल्दी से बोलो, क्या हम लोगों को स्टडी मैट में लेवरेज नाम का एक अलग से चैप्टर देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन सा चैप्टर है? कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या उसी का एक हिस्सा है? कौन सा चैप्टर बेटा? लेवरेज। बोलो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्या? सबसे पहले बोलो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस, अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से ज्यादा है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? और अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से कम है तो क्या होता है बेटा? अब एज अ बिजनेस मुझे शेयर होल्डर्स वेल्थ को क्या करना है? तो मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होगा कि लॉस करना होगा? प्रॉफिट कमाना होगा, बोलो हाँ है ना। अब हम लोगों ने बेसिक इनकम स्टेटमेंट देखा था, बेसिक इनकम स्टेटमेंट ही देखा था, आज हम उसमें एक लेवल अप लेकर जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट आप बना सकते हो क्या? इनकम स्टेटमेंट मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप इनकम स्टेटमेंट मुझे बना कर दोगे? लिखो बेटा एग्जाम्पल। फेयर में, फेयर में क्वेश्चन करने से पहले रिवाइज करवा दूं क्या? yes, सारे बच्चे बोलो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से होता है? सेल्स। सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस माइनस क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। बचता क्या है बेटा? सारे बोलो क्या बचता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। उसका नाम कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों है? बिकॉज हर यूनिट जो मैं बेच रहा हूं वो थोड़ा 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 अमाउंट किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? फिक्स कॉस्ट के लिए। इसमें से आप क्या लेस करते हो बेटा? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आता है बेटा? मेरा प्रॉफिट आता है, बोलो हाँ है ना। अब हमने रेशियो की बात करी थी, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एक होता है पीवी रेशियो। बोलो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सारे बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। क्या दोनों रेशियो हमेशा परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन होते हैं? बोलो हाँ है ना। और दोनों रेशियो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक 70 तो दूसरा, एक 80 तो दूसरा, एक 60 तो दूसरा। सारी चीजें समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा ये वाला। ऑनलाइन वाले बच्चों स्पैम काहे कर रहे हो? क्या बात है बेटा जी, ऑनलाइन का आंसर आ चुका है सर, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, डिक्टेट कर देता हूं बेटा। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 500। कितने बेटा? 500। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मेरा 100 रुपीज का। माय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 50%। मेरा फिक्स कॉस्ट मुझे दिया है 15,000 रुपए का। मुझे दो चीजें निकालनी है, सबसे पहला मुझे प्रॉफिट निकालना है, दूसरा मुझे पीवी रेशियो निकालना है। बन गया क्या? प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 10,000। पक्का? नए वाले बच्चे भी बताएंगे 10,000 आ रहा है क्या? एक बार लिख कर करो बेटा। पीवी का फुल फॉर्म होता है बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम, है ना? उसका और एक नाम क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों सबसे पहले बताओ तुम वीडियो लाइक काहे नहीं करते हो? व्हाई डू यू नॉट डू?
सबका आंसर आ चुका है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों में, ऑफलाइन में भी आ चुका है क्या? लिखकर किया कि कैलकुलेटर पे? बेटा अपना पेपर अभी रिटर्न हो चुका है ना, जब तक अपना पेपर एमसीक्यू था तब तक हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते थे, अभी रिटर्न है तो स्टेप मार्किंग मिलेगा क्या अपने को? डांस की तरह ही होगा बेटा अपना, क्या मिलेगा अपने को? स्टेप मार्किंग। तो आपको प्रॉपर स्टेप बताने पड़ेंगे, बोलो हाँ है ना। डायरेक्ट लास्ट स्टेप करे तो पूरा डांस होता क्या? नहीं, उसी तरीके से पूरे स्टेप करने के, ठीक है? चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों समझा गया? यस सर नो? चलो करेंगे सॉल्व। बताओ बेटा जी, सेल्स कितना है, कितने यूनिट्स है बेटा? 500 यूनिट्स, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? 100। तो कितना हो गया? 50,000। अब चेक करो, लेस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट करोगे क्या? आप मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है क्या? अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है तो क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं? बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, बोलो हाँ है ना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 100 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है? 50%। तो 100 का 50% कितना हो गया? 50 रुपए, बोलो हाँ है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट आप 500 × 50 रुपए कर सकते हो क्या? कितना होगा ये? 25,000। बेटा एक तरीका ये हो गया। क्या दूसरा तरीका, मैं डायरेक्टली 50,000 का 50% भी करता तो 25,000 ही आ जाता क्या? दोनों तरीके से निकाल सकता हूं मैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट करा, क्या बचा बेटा? कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन है? 25,000। इसमें से क्या लेस करोगे बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। कितना? 15,000। क्या बचेगा बेटा? प्रॉफिट बचेगा। कितना प्रॉफिट आएगा बेटा? 10,000 यूनिट्स, ठीक है? कितना प्रॉफिट आएगा? 10,000 रुपीज का। बोलो इधर तक सारे बच्चे क्लियर है क्या? अब इसके बाद एक काम करो। अच्छा ये हो गया, इसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछा था आपको? पीवी रेशियो पूछा था क्या? पीवी रेशियो आप या तो क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 25,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 50,000। तो कितना हो गया पीवी रेशियो? 50% हो गया क्या? बोलो एक तरीका ये है क्या? दूसरा तरीका क्या है सर? क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? तो अगर मुझे क्वेश्चन ने दिया है कि माय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 50%, तो बताओ मेरा पीवी रेशियो कितना होगा? दोनों 50-50 होगा क्या? बिकॉज दोनों का टोटल मिलाकर कितना होना है? 100 होना है। कितना होना है बेटा? 100 होना है। बोलो समझ में आया क्या? इधर तक क्लियर हो? अब एक काम करो, यही क्वेश्चन में जो हमने 500 यूनिट से करा है, सेम क्वेश्चन बेटा आप करोगे 300 यूनिट्स को लेकर। इसके बाजू में ही करो बेटा, जगह बची होगी ना वहीं पर कर लो। बेटा टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस होंगे, काहे चिंता कर रहे हो? 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 अभी जीरो होता है वो जीरो, क्या खाना बना रहे हो क्या? जीरो क्या बात कर रहे हो हैं बड़ा? वो क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया गया। क्या वेरी चालाक ब्रो? ये ऑनलाइन वाले बच्चे क्या ब्रेक इवन कर रहे हैं? मतलब क्या है, क्या ऐसा होता है क्या? कुछ कंसेप्ट क्या होता है, हैं? बोलो 300 यूनिट का सेल कितना है? कितना है सेल? 30,000 है क्या? वेरिएबल कॉस्ट 15,000, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट
इल्ले प्रॉफिट, इल्ले प्रॉफिट है क्या कुछ? नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, जिस लेवल पर, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पर मेरा प्रॉफिट जीरो आ रहा है, चेक करो इधर मेरा प्रॉफिट जीरो आया क्या। और ध्यान से देखो, जिस प्रॉफिट, जिस लेवल ऑफ यूनिट पर, इन 300 यूनिट्स पर मेरा प्रॉफिट जीरो आया है, बोलो बेटा अगर मुझे प्रॉफिट जीरो चाहिए तो क्या मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट होता है जिधर मैं ना ही प्रॉफिट कमा रहा हूं और ना ही लॉस कमा रहा हूं। बोलो हाँ है ना। अब आप मुझे सोच समझ के बताओ, क्या एंटिटी के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट होता होगा? निकालना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे सर, एंटिटी को ब्रेक इवन पॉइंट पता चल गया ना, तो एंटिटी के दिमाग में हमेशा के लिए घंटी बजती रहेगी कि यार मुझे 300 यूनिट के नीचे नहीं बेचना है। बिकॉज जैसे ही एंटिटी ने 300 के नीचे एक भी यूनिट कम बेचा, तो एंटिटी लॉस वाली स्थिति में चले जाएगी। और एंटिटी जैसे ही लॉस में जाएगी, क्या शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा? इसलिए एंटिटी को क्या करना चाहिए? कम से कम कितने यूनिट सेल करने चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट। बोले बोलो हाँ है ना। सर ब्रेक इवन पॉइंट कैसी स्थिति है? जहां पर मैं ना प्रॉफिट कर रहा हूं और जहां पर मैं ना ही लॉस कर रहा हूं। बोलो हाँ है ना। मतलब अब सीधी बात है, अगर मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा, चेक करो इधर मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है बेटा? जीरो है। तो क्या इस लेवल पर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर है? बिकॉज सर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर मुझे जीरो प्रॉफिट चाहिए तो क्या दोनों चीजें बराबर लगेंगी? मतलब क्या आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? ऐसा कर सकता हूं कि नहीं मैं कर सकता हूं? बोलो भाई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट के बराबर। अब ये 300 ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब क्या है कि इधर ना मैं फायदा कर रहा हूं और ना ही मैं घाटा कर रहा हूं। एक बार चेक करके बताऊं क्या आपको? आप एक काम करो, 300 से एक ही यूनिट नीचे बेचो। 300 नहीं, 299 यूनिट्स बेचो। कितने बेचेंगे? 299 यूनिट्स। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप घाटा करोगे। करो एक बार कैलकुलेट और आपको और एक गारंटी देता हूं कि ₹50 आपका घाटा आएगा। कर लो कैलकुलेट एक बार, लिख कर करो, है ना। ₹299 यूनिट्स पे कैलकुलेट करो बेटा। ₹50 का लॉस आ रहा है क्या? मतलब लॉस ही हो गया ना। प्लस में आता है तो क्या होता है? प्रॉफिट। माइनस में आता है तो? मतलब इधर मैं लॉस कर रहा हूं क्या? क्यों लॉस कर रहा हूं? सारे बच्चे बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही मैं ब्रेक इवन के ऊपर एक भी यूनिट बेचूंगा तो क्या करूंगा? प्रॉफिट। और जैसे ब्रेक इवन के नीचे एक भी बेचूंगा तो क्या करूंगा? अगर ब्रेक इवन का कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो अपने एग्जाम से रिलेट कर लोगे। किससे बेटा? एग्जाम से। अपने को पासिंग के लिए कितने चाहिए बेटा? 40। तो क्या 40 मेरा ब्रेक इवन हो गया? एग्जैक्ट 40 करूंगा तो पास हो जाऊंगा। बोलो हाँ है ना। अगर 40 से एक मार्क भी नीचे गया तो, और अगर 40 से ऊपर कितने भी लेकर आऊं क्या हो जाऊंगा बेटा? मतलब 40 मेरा क्या है? हम जब भी एग्जाम की सोचते हैं तो हम दिमाग में हमेशा क्या टारगेट लेके चलते हैं कि कम से कम कितना आना चाहिए? ठीक उसी तरीके से जो कंपनी है, कंपनी अपने दिमाग में क्या आंकड़ा लेकर चलेगी कि मेरे को कम से कम 300 यूनिट तो बेचना ही है। बिकॉज कंपनी ने जैसे ही 300 यूनिट से एक भी यूनिट कम बेचा तो कंपनी को क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। क्या कंपनी लॉस करने का मोटिव रखेगी? नहीं। बिकॉज जैसे कंपनी ने लॉस किया, कंपनी का अल्टीमेट पर्पस क्या था? लॉस करने से कभी भी शेयरहोल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है क्या? प्रॉफिट से हो सकता है, लॉस से हो सकता है क्या? एक बार बताओ ये इनकम स्टेटमेंट आपने कैसे बनाई? 299 into 100 कितना हो गया बेटा?
29,900 वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 49,950 है क्या? ठीक है 14,950 बचा भी 14,950 होगा, इसमें से आपने 15,000 लेस कर दिया, कितना आ गया लॉस 50 रुपए का। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से एक भी यूनिट नीचे बैठता तो क्या हो गया मेरा, घाटा हो गया क्या? एक काम करो ब्रेक इवन पॉइंट से एक ही यूनिट ऊपर बेचो, 301 यूनिट। पचास का प्रॉफिट आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो। करो बेटा कैलकुलेट, 301 यूनिट पे क्या हिसाब बैठ रहा है, 85 आना है। अब बेटा कैलकुलेशन तो हर बच्चा समझ जाएगा, लेकिन जो बच्चा मैंने जैसे ही 299 यूनिट बोले मेरे दिमाग में क्यों आया कि 50 का घाटा होगा, और जैसे मैंने 301 यूनिट बेचे मैंने क्यों बोला कि 50 का फायदा होगा, जिसने वो लॉजिक क्लियर कर लिया ना वो समझ लो कि मेरे को कंसेप्ट क्लियर है। सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अगर मैं 300 यूनिट बेचूंगा, लॉजिक लगाओ बेटा, मैं ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट से बेटा मेरे 300 यूनिट, आप मुझे बताओ हर यूनिट मेरे फिक्स कॉस्ट के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50 रुपए। चेक करो मेरा हर यूनिट बिक कितने मेरा है 100 में, हर यूनिट मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा रहा है 50 रुपए, मतलब हर यूनिट मेरा फिक्स कॉस्ट के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 50 रुपए। तो अगर मैं 300 यूनिट बनाऊंगा और हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 50 रुपए, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 15,000 होगा क्या? और क्या इतना ही मेरा फिक्स कॉस्ट है? बोलो हाँ है ना। अब सीधी बात है, अगर मैंने 300 यूनिट नहीं लेकिन कितने यूनिट बेचे 299, तो क्या फिक्स कॉस्ट की भरपाई करने में एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कम पड़ गया? मेरे को फिक्स कॉस्ट की भरपाई कितनी करनी है 15,000। जैसे मैंने 300 की जगह पर 299 यूनिट भेजे, क्या एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कम पड़ गया? और वही एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? और यही तो मेरा लॉस है। डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? इसके बाद सर जैसे मैंने 300 की जगह 301 यूनिट बेचे, कितने यूनिट बेचे 301 यूनिट, सर 300 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन तो फिक्स कॉस्ट में लग गया ना। अभी मैं ऊपर जितना भी कमा रहा हूं क्या ये मेरे जेब में जाने वाला है? तो ऊपर के एक यूनिट पर मैंने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, तो ये 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। सिंपल है। लॉजिक चमका क्या? ये लिखो बेटा, ये लॉजिक लिखो। अब सीधी बात है बेटा, देखो नोट्स को नोट करने का दो तरीके होते हैं, एक तो मैं जैसा क्लास में लिखा हूं वैसा नोट करने का, दूसरा अपने लैंग्वेज में जैसा लिखना है ऐसा लिखो कि तुमको 2 महीने बाद याद आना चाहिए। अपने हिसाब से लिखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड एंड फास्ट ऐसा लिखने का। अपने लैंग्वेज में लिखने का अपने लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखने का हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखने का इंग्लिश में लिखो। कोई बच्चा बोलता कि सर मेरे को नहीं क्या वो, अब जैसे मैं कोई चीज लिखा था पॉइंट लिखा था, कोई बच्चा पॉइंट लिखता, कोई बच्चा बोलता नहीं सर मैं पॉइंट को तोड़ तोड़ के डायग्राम के फॉर्म में लिख दूंगा ताकि फ्लो चार्ट बना के मेरे को बाद में समझे, वो अपने हिसाब से देखो। सर बीपी मतलब एक भी यूनिट नीचे बेचेंगे तो लॉस होगा और एक भी यूनिट ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, करेक्ट बेटा नंदिनी? एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। अब बेटा फोटो वोटो खींचा मत करो, लिखा करो, है ना, फोटो फोटो ही रह जाते हैं। नोट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत खराब बच्चे हो तुम, बहुत खराब। काहे ऐसा कर रहे हो बेटा, काहे? क्या ये सब मत करो क्लास में। ये किया है क्या?
सर लॉजिक नहीं क्लियर है लेकिन कैलकुलेशन क्लियर है। बेटा ध्यान से देखो, लॉजिक और कैलकुलेशन साथ में लिंक करेंगे क्या? आप मुझे बोलो उसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों है? बिकॉज हर यूनिट कुछ ना कुछ अमाउंट किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है? फिक्स कॉस्ट के लिए। एग्जैक्टली 300 यूनिट मिलकर पूरे के पूरे फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? अगर इससे एक भी यूनिट बेचोगे तो ऊपर का कंट्रीब्यूशन किस में जा रहा है? प्रॉफिट में। और अगर एक भी यूनिट नीचे बेचोगे तो क्या हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। ये लिख लो, ये इधर ये कैलकुलेशन भी लिख लो, ठीक है? सर हैंडराइटिंग इंप्रूव करो। ओके बेटा, नाइस कमेंट, अच्छी है ना? तुम लोग बोलो अच्छी है कि खराब है? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो अच्छी है ना? बस बेटा, तुम कितनी चीजें ऐसे हाँ बोलते रहोगे पिज्जा की उम्मीद में। सर 301 वाला सॉल्व कर दो बेटा। 301 वाला क्या सॉल्व करना है जल्दी बोलो। 30,100 करेंगे क्या? और इधर 15,550। होगा ना येड़े येड़ा ना? कुछ भी लिखते क्या? मैं नहीं रे, तुम मैं तो सही लिखता, मेरे को तो तुम लोग गलत करते। कौन सा वेरिएबल कॉस्ट वाला? बेटा ध्यान से सुनो, कॉस्ट कौन सी होती है? एक वेरिएबल और एक फिक्स कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट मेरे यूनिट्स बदलने से बदलेगी इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट मेरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट सेम रहेगी उसको क्या कहा जाता है? फिक्स कॉस्ट। आप मुझे बताओ इन टोटलिटी कौन सी कॉस्ट सेम रहती है और कौन सी चेंज होती है? पर यूनिट कॉस्ट इन टोटल, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट कौन सी चेंज होती रहती है और कौन सी सेम रहती है? वेरिएबल कॉस्ट। बोलो हाँ है ना? ये होता है बड़ा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अभी काफी एग्जाम्पल करने हैं रे। अभी ये जो है ना, अभी तो मतलब रे, अब ध्यान से देखो, अभी जो बच्चों ने ऑपरेशनल अप्रोच देखा है उनको तो लग रहा है सर ये तो हमको सब आता है, सर FM इज हलवा। अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। अब ये तो बड़ा बेसिक इनकम स्टेटमेंट हो गया रे, ये तो कौन सा हो गया जो अपन बचपन में सीखते थे। लेकिन अभी अपन एक्चुअल जो FM में इनकम स्टेटमेंट काम आने वाला है, अपन एक्चुअली में वो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाले। लेकिन उसके पहले ये वाला जो इनकम स्टेटमेंट था इस पे ग्रिप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो इस पर पूरी पकड़ गया? अरे तो लड़कों के दिमाग खराब, बहुत खराब है बेटा लड़कों का दिमाग। मौसम मस्त हो गया था कल, बारिश वारिश पड़ी है दूसरी जगह पे, बहुत बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। क्या क्या बोला? अरे बोल, फोटो वोटो निकाल सकते क्या? बेटा कसम से तुम लड़कियों के साथ रहो ना तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंप्रूवमेंट आना है। अरे बहुत, तुम इतनी चीजें नहीं जानोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। कोई तुमको एक एक एग्जाम्पल देता है, ठीक है? तुमने आज के पहले वो अपन वैसलीन वगैरह लगा दे या सनस्क्रीन लगा दे, लड़कियां कैसे लगाती? वैसे लेंगी ऐसे और फिर उसको जेंटली लगाएंगी। लड़के देखो दाढ़ी रही तो स्कोप भी इतना बच जाता, बस ये तो फर्क है। फिर सामने वाला तुमको बोलता पूरा तो हाथ में ही लग गया, बोलना मेरे ही हाथ।
इनकी प्रोडक्शन में ज्यादा करता हूं, भरोसा नहीं है तेरा, कब काम कब काम आ जाए बोल नहीं सकते, बोलो हाँ है ना। कैसा है, बहुत इंसान सीखता रहना है ना। बड़ा कसम से सनस्क्रीन तो कंसेप्ट था ही नहीं हमारे उधर, अभी अभी आया बड़ा। मैंने अभी नया नया लड़कियों में बहुत रहा, लड़कों में रहता ही नहीं आपने, उसमें तो फेस वॉश भी नया है और अगर किसी ने स्क्रब यूज कर दिया तो ओहो हो। अब मैंने आजकल स्क्रब यूज करना आपने बताया खास ने, तो मैं बोला चलो ठीक है स्क्रब यूज करते अपन। अब मैंने स्क्रब यूज करना चालू करा तो फिर मेरा एक फ्रेंड है अकोला का, वो अभी आया मेरे साथ रहने के लिए, जॉब के लिए आया। तो मैं क्या बोलता, मोहित तो इधर आके पूरा चेंज हो गया, वो तो स्क्रब यूज कर रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। क्या चेंज इज द नियम, बोलो हाँ है ना। क्या बोला है बेचा, वाह 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 वाह, यही तो बात है बेटा कि तुम जिंदगी को एफएम से रिलेट कर रहे हो, मैं एफएम को जिंदगी से रिलेट करता हूं। चलो भाई क्या हो गया, चबे चलो भाई समझ में आ रही क्या। अब अगले आधे घंटे तक बढ़िया इनकम स्टेटमेंट चलेगा अपना नया वाला। चलो भाई करेंगे क्या शुरू इनकम स्टेटमेंट, मैं गारंटी दे रहा हूं आधा घंटा याद रखो इनकम स्टेटमेंट याद हो जाएगा। और ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये आप बोल सकते हो कि एफएम की एबीसीडी है, इनकम स्टेटमेंट क्लियर है। तो बाकी काफी सारे चैप्टर्स में इसका अपने को रेफरेंस आने वाला है। तो अगला आधा घंटा तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता, अगला आधा घंटा जिंदगी में सिर्फ आप है और कौन है, मैं हूं। अरे मेरे येड़ो क्या, नहीं नहीं बोल दो ना बेटा सर आप और एफएम अलग अलग थोड़ी हो, बोल दो बेटा बोल दो। चलो भाई करेंगे क्या शुरू, अब एक इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। किसकी बेटा, इनकम स्टेटमेंट। सर अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट देखा था ये तो बच्चों वाला था, कौन सा था बेटा, बच्चों वाला। लेकिन अभी जो एडवांस वाला इनकम स्टेटमेंट है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे जिन्होंने ऑपरेशनल अप्रोच देखा है या जो नए आए, दोनों बच्चे सेम पेज पे हैं, बिकॉज अभी जो इनकम स्टेटमेंट चल रहा था उसमें ऑपरेशनल अप्रोच वालों को तो हलवा लग रहा था। अभी एक्चुअली में नया पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें दोनों बच्चे एक ही लेवल पे रहेंगे। यू कैन से ब्रेक इवन, यस ठीक है। चलो भाई करेंगे क्या शुरू, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एंटिटी है जिसने 1000 यूनिट सेल करे, कितने सेल करे बेटा, 1000 यूनिट्स, ठीक है। सेल्स आएगा सबसे पहले, सेल्स मान लो हम एक यूनिट को कितने में सेल करते हैं, मान लो हम एक यूनिट को 100 रुपए में सेल करते हैं, ठीक है। बोलो सेल कितना होगा, सारे बोलते चलो सेल कितना होगा, ठीक है। अब इसमें से आप लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, सर सेम है क्या, थोड़ा सा सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है बेटा। मान लो वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 50 रुपीज का, ठीक है। कितना वेरिएबल कॉस्ट है, 50 रुपीज का। बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 50,000 होगा क्या। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटा मेरा, कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना है बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन, 50,000। अब इधर से थोड़ा चेंज स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके की कॉस्ट बताई थी, एक तो आप मुझे बताओ मुझे सेल्स में से क्या माइनस करना पड़ता है प्रॉफिट निकालने के लिए, कॉस्ट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, बोलो हाँ है ना। अब कॉस्ट हम लोगों ने देखी थी दो तरीके की होती है, बोलो कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। चेक करो बेटा क्या हम लोगों ने इस इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट हटा दी क्या। अभी क्या लेस करना है बेटा हमको, फिक्स कॉस्ट लेस करना है। अब फिक्स कॉस्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है बेटा फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको हर हालत में लगनी ही है। अब ये कंपनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, बोलो हाँ है ना। अगर ये कंपनी एक यूनिट भी मैन्युफैक्चर करेगी तो भी फिक्स कॉस्ट, बड़ा मोबाइल छोड़ो, अगर कंपनी, अरे मेरा ही लेक्चर देख रहा क्या ऑनलाइन, मेरा लेक्चर देख रहा ऑनलाइन, लाइक कर रहा वीडियो को, रख दे
ध्यान से देखो, फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, सोच समझ के बताओ, जो फिक्स कॉस्ट होती है क्या ये डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है? क्या वो उतनी रहने वाली है? जैसे कि इस क्लासरूम का रेंट 50,000 है, हम दिन में इधर 10 घंटे भी पढ़ाएं तो भी रेंट, 24 घंटे पढ़ाएं तो भी रेंट, 2 घंटे पढ़ाएं तो भी रेंट, एक बैच में 50 बच्चे आए तो भी रेंट, 100 बच्चे आए तो भी रेंट, 200 बच्चे आए तो भी रेंट। मतलब क्या ये कॉस्ट जितनी लगनी है उतनी लगनी है? क्या ये कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, बोलो हाँ, है ना। अब ध्यान से देखो, जो एफएम होता है ना, एफएम में जो मेरे फिक्स कॉस्ट होते हैं, मैं फिक्स कॉस्ट को ना दो पार्ट्स में बायफर्केट करता हूं, ठीक है। सबसे पहले होती है बेटा मेरी ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होती है बेटा मेरी? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। एंड सेकेंडली आती है बेटा मेरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहली कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है बेटा मेरी? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। सेकेंडली कौन सी आती है बेटा मेरी? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब नाम देखकर आप बता सकते हो क्या? सर इन शॉर्ट आप देखो, पहली फिक्स कॉस्ट कौन सी है बेटा? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट लगती है। सर नाम देखकर थोड़ा आइडिया लगा सक रहे हो, डिटेल में मैं बता दूंगा, लेकिन ऑपरेशनल मतलब क्या? सर जो फिक्स कॉस्ट मेरे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। और सर जो फिक्स कॉस्ट मेरे फाइनेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। जैसे कि आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट के कुछ एग्जांपल देखे थे क्या कल? जैसे कि बोलो कौन से एग्जांपल देखे थे? रेंट देखा था क्या? इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी देखा था? इसके अलावा सैलरी देखा था? इसके अलावा एडवर्टीजमेंट देखा था? इसके अलावा डेप्रिसिएशन देखा था? बोलो हाँ, है ना। अब मैं इसमें और एक दो एग्जांपल ऐड करवा देता हूं, ठीक है। आप मुझे सोच समझ के बताओ कि हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 50 करोड़ का लोन लिया और 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक साल का कितना इंटरेस्ट हुआ बेटा? 5 करोड़ रुपए। कितना इंटरेस्ट हो गया? 5 करोड़ रुपए। अब सोच समझ के बताओ, मैंने बैंक से अगर लोन ले लिया है, अब मैं वो 50 करोड़ रुपए को मेरे अकाउंट में ही पड़े रहने दूं, या मैं इसमें से 25 करोड़ इन्वेस्ट करूं, या मैं इसमें से 50 करोड़ इन्वेस्ट करूं? जो बैंक को मुझे 5 करोड़ का ब्याज देना है वो फिक्स है क्या? क्या बैंक मुझे बोलेगा सर आपका सेल्स होगा तो ब्याज देना वरना ब्याज नहीं देना? क्या बैंक मुझे बोलेगा सर स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए तो इंटरेस्ट देना वरना नहीं देना? क्या बैंक मुझे बोलेगा आप जितने बुक्स बेचोगे तो ब्याज देना वरना ब्याज नहीं देना? मतलब ये जो बैंक की जो इंटरेस्ट है, क्या ये भी एक तरीके का फिक्स कॉस्ट है? और क्या ये मुझे हर खास में, इन हर हालत में देना ही पड़ेगा? तो मैंने आपको और एक एग्जांपल दे दिया, इंटरेस्ट। बोलो हाँ, है ना। अब दूसरा, सर मैं शेयर से दो जगह से पैसे ले सकता हूं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप मुझे बताओ, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? पैसा रहा तो मैं, और पैसा ना रहा तो मैं? सर पैसा रहने के बाद भी अगर इच्छा नहीं रही तो मैं नहीं दूंगा, रिटेन करके रख सकता हूं ना। पैसा है, प्रॉफिट कमाया है, लेकिन क्या फिर भी मैं रिटेन करके रख सकता हूं? मतलब इक्विटी डिविडेंड कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। बोलो हाँ, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका नाम प्रेफरेंस क्यों है? बिकॉज उनको दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है। किसमें बेटा? दो चीजों में। सबसे पहला डिविडेंड के पेमेंट में, और दूसरा रिपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बोलो हाँ, है ना। अब मुझे सोच समझ कर बताना कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट पहले से ही फिक्स हो जाता है क्या? मतलब जब मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, क्या तभी उनसे मेरी बात हो जाती है कि मैं आपको इतना रेट ऑफ डिविडेंड दूंगा? बोलो हाँ, है ना। मतलब इन शॉर्ट बताओ, क्या मेरे प्रेफरेंस शेयर्स मुझे ऑप्शन देते हैं मन में आया तो देना वरना नहीं देना, कि उनको तो डिविडेंड देना ही है? अब मैं चाहे उनके दिए हुए पैसे पर कुछ कमाऊं चाहे ना कमाऊं, क्या मुझे इनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही है? तो क्या बेटा मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स कॉस्ट हो गया? बोला हाँ, है ना।
इक्विटी डिविडेंड को मैं फिक्स कॉस्ट नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता हूं बेटा? सर पहली बात तो ऑप्शनल है, दूसरा मुझे फिक्स अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, एक साल में हो सकता है बहुत ज्यादा दे दूं, एक साल में हो सकता है कम दूं, किसी साल में हो सकता है ना दूं, बोलो हाँ या ना, डिपेंड्स अपॉन कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने का कैसा सोच रही है, ठीक है? तो इन शॉर्ट हमने इतने सारे फिक्स कॉस्ट के नाम लिख दिए क्या? अब ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है, अगर जो मेरा फिक्स कॉस्ट है इफ दैट इज इन रिलेशन टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, उसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। और अगर मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो फाइनेंस को लाने के लिए, पैसे को बिजनेस में लाने के लिए लग रहा है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, बोलो हाँ है ना। अब इधर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिक्स कॉस्ट लिखी है बेटा, क्या हम लोग इनको बायफर्केट कर सकते हैं कि ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट कौन से और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कौन से? बताओ बेटा कैसे करेंगे? सबसे पहले रेंट, बोलो क्या रेंट मेरा बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है कि पैसा लाने का खर्चा है? तो क्या रेंट मेरा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है? बोलो हाँ है ना। समझ में आया क्या? इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, क्या इलेक्ट्रिसिटी मेरा बिजनेस में फाइनेंस लाने का खर्चा है कि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है? तो इलेक्ट्रिसिटी भी मेरा कौन सा हो गया बेटा? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद सैलरी, दिमाग में यही जवाब देने का कि क्या ये खर्चा मुझे पैसा लाने के लिए लग रहा है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लग रहा है? कैसा? हाँ तो स्टूडेंट देंगे वो तो रेवेन्यू हो गया ना, मैं बोल रहा हूं फाइनेंस, फाइनेंस मतलब मेरा पैसा फाइनेंस में कहां से आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, टर्म लोन, मोटा मोटी डिबेंचर्स, ये जगहों से पैसा आता है क्या? तो इन शॉर्ट अगर इनसे रिलेटेड कॉस्ट है तो फाइनेंशियल बाकी सारे के सारे ऑपरेशनल में फेंको। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बता सकते हो क्या? सर अगर बिजनेस में फाइनेंस लाना है, फाइनेंस कहां कहां से ला सकते हो? इक्विटी से, लेकिन उसका फिक्स कॉस्ट होता है क्या? नहीं। प्रेफरेंस से, लेकिन उनका फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड होता है क्या? यस। डिबेंचर से, टर्म लोन से, क्या उनका फिक्स इंटरेस्ट होता है? यस। तो इन शॉर्ट ये जो दोनों है ना बेटा, सिर्फ पूरी दुनिया में ये जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड है बस यही दोनों क्या है बेटा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। लिखो बेटा इधर इंटरेस्ट एंड कौन सा है बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कौन से है बेटा मेरे? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। लॉजिक समझ रहा है क्या बेटा? लॉजिक कनेक्ट हो रहा है क्या? फिक्स कॉस्ट मतलब ये पैसा मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम देना ही है। अब ये जो पैसा मुझे देना है, ये पैसा मुझे किस चीज के लिए देना है? बोलो ये पैसा मुझे जो देना है, ये पैसे लगने का रीजन क्या है? अगर रीजन है बिजनेस में फाइनेंस लेकर आना तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और अगर रीजन है बिजनेस को डे टू डे बेसिस पर रन करते रहना, ऑपरेट करते रहना, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। जैसे आप मुझे बताओ इसके अलावा सारे के सारे जो है, जैसे कि सैलरी, ये कौन सा फिक्स कॉस्ट हो गया? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, ये कौन सा फिक्स कॉस्ट हो गया? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। और लास्टली एडवर्टाइजमेंट, कौन सा फिक्स कॉस्ट हो गया? ऑपरेशनल। ये बड़ा ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है? जो डायग्राम है ना, ये ऐसा का ऐसा लिख देना, फिक्स कॉस्ट के दो पार्ट बनाओगे और आप उसी हिसाब से लिखोगे, ठीक है? सर लिखना है क्या? यस बेटा लिखना है। सर एडवर्टाइजमेंट फाइनेंस में नहीं आएगा क्या बेटा? फाइनेंस का लॉजिक याद रखो पैसे लाने के लिए, और इन शॉर्ट ये भी याद रख लो कि फाइनेंस के बस दो ही फिक्स कॉस्ट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। बिकॉज तीसरा सोर्स बचा ही क्या है मेरा? इक्विटी, और इक्विटी वालों की तो फिक्स कॉस्ट होती नहीं है। सर इलेक्ट्रिसिटी इज वेरिएबल कॉस्ट नाउ? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल कॉस्ट कहां होती है? इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड होती है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन मुझे क्या देखना पड़ता है कि अगर मेरी ये कॉस्ट मेरे आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रही है, वो भी प्रोपोर्शनेटली, तो वो वेरिएबल होती है, अदरवाइज फिक्स्ड होती है। सर इक्विटी ऑपरेशनल में आएगा ना बेटा? इक्विटी डिविडेंड तो आएगा ही नहीं। हाँ एडवर्टाइजमेंट, अच्छा इंटरेस्ट के बाद ये वाला, ये एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रहा क्या? क्या दिख रहा फिर?
आदि मानव क्या? अब इससे अच्छा नहीं हो सकता बेटा, मतलब तुम देख रहे हो ना कैसे सर एडवर्टीजमेंट, सर एडवर्टीजमेंट से फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं ना सर, तो फाइनेंस को लाती है ना बेटा, ऐसा थोड़ी कुछ भी लिंक थोड़ी कर सकते हो। वो तो सर ऐसा हो सकता है आपने ये साल में प्रॉफिट कमाया, ये भी आपको फ्यूचर में आईपीओ लाने के लिए हेल्प करेगा, तो ये भी आपका फाइनेंशियल नेचर का होगा, ऐसा थोड़ी सोचने का रे। कीप इट सिंपल, फालतू का कॉम्प्लेक्स करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कीप इट सिंपल। सर ये फिक्स कॉस्ट कैसे आई है बता दीजिए क्वेश्चन में, ओल्ड वाले में बेटा मन से लिए है, मन से मन से मन से। सर सर एक्सप्लेन अबाउट डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे ध्यान से सुनो, आप मुझे बताओ एसी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है क्या हर साल का? फैन पे लग रहा है? कंप्यूटर पे लग रहा है? प्रोजेक्टर पे लग रहा है? अब कल जाकर एडमिशन कितने भी आए यहां 50 की जगह 100 बच्चे बैठे रहेंगे, क्या मेरा डेप्रिसिएशन का चार्ज सेम होगा कि चेंज होगा? अगर सेम होगा तो फिक्स कॉस्ट खत्म, बात बात ही खत्म। सर अगर स्टूडेंट्स कम आएंगे और क्लासेस कम यूज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। बेटा क्या मैं बोलता हूं, ये तुम्हारी लाइट है, एक बच्चे की एक लाइट, अब वो लाइट के बीच बेटा 15 बच्चे बैठे हैं, अगर पार्ट भी बैठे होते तो लाइट चलानी पड़ती क्या? तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? फिक्स कॉस्ट हो गई। बोलो समझा गया? बोलो डिफरेंस समझा गया? अब हम लोगों ने ध्यान से देखो, हम लोग है कहां पर? इनकम स्टेटमेंट में है क्या? हम इनकम स्टेटमेंट में से कहां पर भूले भटके इधर आ गए थे? चेक करो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा बेटा? सेल्स। सेल्स में से क्या लिखा बेटा मैंने? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ गया बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था क्या करता था? बड़ी शरारत नहीं रे। अरे जब मैं छोटा बच्चा था क्या मैं डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता था? अब ध्यान से देखो, जो मेरा एडवांस वाला इनकम स्टेटमेंट है ना, उसमें मुझे फिक्स कॉस्ट को दोनों पार्ट्स में बायफर्केट करना पड़ेगा। बोलो कौन से? ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ है ना। अब आप कॉन्ट्रीब्यूशन में से सबसे पहले लेस करोगे बेटा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। आप कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या लेस करोगे बेटा? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। क्या डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट? बोलो हाँ है ना। मान लो जो मेरे पास सारे के सारे असेट है वो मैंने खरीद कर रखे हैं। सर प्रेफरेंस डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता तो फिक्स कॉस्ट में क्यों आता है? बिकॉज बेटा अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना इज कंपलसरी। ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा, क्या डेप्रिसिएशन मेरे ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट में आता है क्या? मान लो मेरा डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए, ठीक है? कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000। बोलो बचा कितना है मेरा? 30,000। अब ध्यान से देखो, जब मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन में से किसको माइनस किया? सिर्फ ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट को। चेक करो, मुझे सेल्स में से कॉस्ट हटानी थी, कॉस्ट में से मैंने वेरिएबल पहले हटा दी, इसके बाद मैंने ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हटा दी। अब बची कौन सी है बेटा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट हटानी बची है बेटा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब जब मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया और मैंने ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हटा दिया, अब बचता है बेटा ईबीआईटी। बता दो बेटा, रुको जरा सब्र करो, इसको क्या कहा जाता है बेटा? ईबीआईटी। सर ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखो बेटा, ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बच्चे काफी दिमाग लगाते हैं। अब कल मैं सीएमए में पढ़ रहा था, कुछ बच्चे बोलते अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है बेटा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नाम याद रह जाएगा क्या? सर कैसा नाम याद रह जाएगा? सर ये मेरी अर्निंग्स है क्या, और क्या मैंने इसमें से अभी तक इंटरेस्ट हटाया है? नहीं। अरे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं हटाई ना, तो ये क्या बचा है मेरा? ईबीआईटी। बिकॉज इसमें से ना अभी तक इंटरेस्ट हटाए और ना इसमें अभी तक
टैक्स आता है तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे कंपनी में ना 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, कितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, ऑफ ₹50,000। कंपनी के पास पूरे साल के लिए कितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे बेटा, 12% डिबेंचर्स थे और डिबेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। कोई मुझे रेट ऑफ कोई मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालकर दे सकता है क्या? कैलकुलेट करो बेटा जी, इंटरेस्ट कितना होएगा? सर ये सारे फिगर्स कहां से आ रहे हैं बेटा? सारे के सारे फिगर्स काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सर अगर कोई FY में हम यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो फिर भी फिक्स कॉस्ट लेगा क्या? यस। बेटा प्रोडक्शन बंद कर दो, फैक्ट्री का भाड़ा लगेगा क्या? कल से मैंने सबको छुट्टी दे दिया तो भी रेंट लगना ही है क्या? सिंपल, बोलो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, करो कैलकुलेट। 6,000 हो रहा है क्या? सारे बच्चे करोगे कैलकुलेटर पे, कितना हो रहा है? ये 6,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट है क्या? तू काहे खुश हो रहा है बे? तेरे लिए तो इररिलेवेंट ही है। अब ध्यान से देखो, EBIT है क्या? अब EBIT में से आप क्या हटाओगे? इंटरेस्ट हटाओगे। EBIT में से क्या हटाओगे बेटा? आप इंटरेस्ट हटाओगे। कितना इंटरेस्ट हटाएंगे? 6,000 रुपीज का कितना बच रहा है? 24,000। अब ध्यान से देखो, नाम देखो बेटा, इसको क्या कहा जाता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या कहा जा रहा था बेटा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या हटा दिया बेटा मैंने? इंटरेस्ट हटा दिया। अब ये क्या बचा बोलो तो? क्या बात कर रहे हो, ईबीटी बचा क्या? ए बेटी बोल क्या बचा? ईबीटी। ईबीटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। बोलो समझ में आया क्या? मैंने ईबीआईटी आया था, ईबीआईटी में से क्या हटा दिया बेटा? आई, तो क्या बच गया? ईबीटी। अब आप ही बताओ कि भाई और बहनों, ईबीटी में से क्या कटेगा? पक्का लॉक कर दिया जाए? तो कर दो बेटा लेस टैक्स। सरकार बहुत टैक्स लेती है। कितना टैक्स? 50% टैक्स। कितना टैक्स बेटा? 50%। मान लो टैक्स रेट 50% है, ठीक है, बोलो कितना टैक्स कटेगा? 12,000। अब सर ईबीटी में से टैक्स भी कट गया, ईबीटी में से टैक्स भी कट गया, तो क्या बचा बेटा? ईट बचा है क्या बेटा? ईट कह सकते हैं क्या? क्या अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट ही होता है? तो बेटा इसको ईएटी भी कह सकते हो, आप इसको पैट भी कह सकते हो। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा जिसको ईएटी कहना है आप ईएटी कह सकते हो, क्योंकि आजकल कैसा है ना कि पैट बोलने से बच्चों को गुस्सा आता है ना, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की फाइनल देखा है ना सबने। फिर पैट बोलने से बच्चों को ऐसा थोड़ा गुस्सा आता है, एक तो लोग नजर भी लगाते, अरे 20 करोड़ लेके चला गया है, एक बॉल का इतना मिल रहा उसको। कोई भी जीते, बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया क्या? कितना है बेटा पैट? 12,000 रुपए। समझ में आ रहा है क्या? इधर तक सारे बच्चे साथ में हो? एक बार इनकम स्टेटमेंट ऊपर से नीचे बोलोगे क्या? सर ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट पहले क्यों, फाइनेंस फिक्स कॉस्ट पहले क्यों नहीं किया बेटा? बिकॉज ये फॉर्मेट है। सर जेड बाद में क्यों आया? फॉर्मेट। क्या बात बोलिए बेटा, सर मीठा आखिरी में क्यों खाया जाता है? फॉर्मेट। ध्यान से देखो, इनकम स्टेटमेंट सारे बच्चे बोलोगे, चेक करो स्टार्ट कहां से होता है बेटा? अरे बोलो स्टार्ट कहां से होता है? सेल्स में से क्या लेस करोगे? क्या आएगा बेटा? इधर तक सेम है क्या? इसके बाद हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में तोड़ा, बोलो कौन सी? सर मेरे को फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के दो ही नाम याद रखने हैं, कौन से बेटा? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके अलावा जिंदगी में जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट और न जाने हजारों, सारी की सारी कौन सी होंगी बेटा?
ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैंने पहले क्या हटाया बेटा, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट, क्या बचा मेरा ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले इसमें से क्या हटेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको आता है, क्वेश्चन दे देगा तो निकाल लोगे। अब हमने इंटरेस्ट लेस करा तो क्या बचा बेटा, ईबीटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसमें से क्या हटाओगे बेटा, टैक्स हटाओगे तो क्या बचेगा, पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर तक क्लियर है क्या, फिर से आ जाओ बेटा इधर। आप मुझे बताओ मेरे को सेल्स में से क्या लेस करना था, कॉस्ट। कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी हटानी थी क्या, कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी हटानी थी क्या, मैंने वेरिएबल कॉस्ट हटा दी क्या, फिक्स कॉस्ट में मैंने ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हटाई क्या, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के अंदर भी दो है बोलो कौन सी, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या अभी तक मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को ही हटाया है, मतलब अभी भी सर ये पैट में प्रेफरेंस डिविडेंड घुस के बैठा है, समझ में आ रहा है क्या सर, ये जो पैट है क्या इसमें अभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड घुस के बैठा है। तो क्या होता है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये जो मेरा पैट है ना, कितना पैट है बेटा मेरा, 12,000 रुपए का। ये पैट में दो लोगों की हिस्सेदारी है, किन दो लोगों की हिस्सेदारी है बेटा, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की और दूसरी किसकी है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर की। अब आप मुझे बताओ कि जब भी डिविडेंड देने की बारी आएगी तो पहले किसको इज्जत दी जाएगी बेटा, प्रेफरेंस वालों को। मान लो बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग दिए थे, मान लीजिए कि 8% डिबेंचर्स, ठीक है, कितने, सॉरी 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख आउटस्टैंडिंग, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कितने के बेटा, 1 लाख रुपीज के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है सर। आई एम टेकिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, डाउट इन टीवीएम विल डाउट बी क्लियर इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बेटा रिकॉर्डेड में तो आप व्हाट्सएप कर दो रिस्पेक्टिव फैकल्टी को आ जाएगा, ठीक है सर। टैक्स क्या फाइनेंस कॉस्ट में आता है, नहीं बेटा टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। बोलो कितना होगा पीडी, कितना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, 10,000, 1 लाख का 8% कितना होगा, 8,000 होगा क्या। बोलो जब भी ये 12,000 बांटने की बारी आएगी सबसे पहले किसको दोगे, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कराई क्या, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे, 8,000 रुपए। अब बोलो ये क्या पूरा सर, हमने ना पूरा प्रॉफिट पूरा सेल्स में से सारे के सारे कॉस्ट चूज के निकाल दिए, अब ये जो बचा कुचा है 4,000 रुपए, कितना है बेटा बचा कुचा 4,000, अब ये किसका है बेटा, इक्विटी वालों का। सब निकाल दिया क्या, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हटा दी, वेरिएबल कॉस्ट हटा दी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट हटा दिया, सरकार को टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, अब जो आखिरी में बचा बुचा 4,000 रुपए है ये किसका है बेटा, इक्विटी वालों का। इसको कहा जाता है बेटा ईएईएसएच, अरे सिंपल है, इसको क्या कहा जाता है ईएईएसएच, फुल फॉर्म है बेटा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा लॉजिक चमक रहा है क्या सर, 12,000 में से 8 कौन लेके चले गए, प्रेफरेंस वाले, जो बचा हुआ 4 है वो किसका है बेटा, इक्विटी वालों का। उसको क्या कहा जाता है ईएईएसएच, ईएईएसएच मतलब क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोलो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है बेटा, 4,000 रुपए। समझ में आ रहा है क्या, कितना है ईएईएसएच बेटा, 4,000 रुपए, बोलो हाँ है ना। अब ये जो 4,000 पे किसका हक है बेटा, इक्विटी वालों का। अब ये सर ये 4,000 के भी और टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताओ, इक्विटी वालों का 4,000 है, अब कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी को इसमें से कितना रिटेन करना है और कितना कंपनी को क्या करना है बेटा, डिविडेंड बांटना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा तो इनकम स्टेटमेंट इधर तक ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं देखना है अपने को, ये तो बस मैंने आपको ज्ञान दे दिया, उसी का पैसा मिलता है बेटा मेरे को क्या चुबे, बोलो भाई क्लियर है क्या, सारे के सारे बच्चे बोलोगे, सबसे पहले क्या आता है सेल्स, सेल्स में से क्या लेस करोगे,
मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट याद होना चाहिए, बिकॉज जिसकी ये फॉर्मेट पे ग्रिप है, मैं बोल रहा ना पूरा जो चैप्टर के लेवरेज, चार फॉर्मूला है, कितने फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, चार फॉर्मूला, और जिसको ये फॉर्मेट क्लियर है उसको चार फॉर्मूला यूं याद हो जाएंगे, बस फॉर्मेट पे ग्रिप होना चाहिए बेटा। सारे बच्चे बोलोगे, सबसे पहले क्या होता है बेटा इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स। सेल्स क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें से क्या लेस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, क्या आता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज हर यूनिट मेरा कुछ ना कुछ टुवर्ड्स द फिक्स कॉस्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं पहले क्या लेस करता हूं, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। सर दुनिया में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को छोड़कर जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो सारी की सारी कौन सी है बेटा, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। बोलो कौन सी है बेटा, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल दोगे, डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और जो भी होंगे, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। क्या बचा बेटा, ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। इसमें से सबसे पहले क्या हटाओगे, आई दैट इज इंटरेस्ट हटाओगे, बोलो हाय ना, क्या बचेगा, ईबीटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ईबीटी में से क्या काटोगे बेटा, टैक्स काटोगे, टैक्स का परसेंटेज गिवन है, आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, क्या आएगा बेटा मेरा, ईएटी या पैट आएगा, क्या आएगा बेटा, पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सरकार को हिस्सा देने के बाद जितना भी बचा हुआ है उस पे शेयर होल्डर्स का हक, उस पे किसका हक बेटा, शेयर होल्डर्स का। अब मेरे शेयर होल्डर्स भी कितने तरीके के हैं बेटा, सर डिबेंचर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है क्या, यस बेटा डिबेंचर का इंटरेस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, चाहे लोन का इंटरेस्ट हो चाहे डिबेंचर का इंटरेस्ट हो, सारी की सारी क्या है बेटा, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो इंटरेस्ट में कट जाती है, बोलो हाँ है ना। अब ये जो पैट है इसमें किसका हक है बेटा, शेयर होल्डर्स का, किसका हक है बेटा, शेयर होल्डर्स का। क्या शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आते हैं, क्या शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आते हैं, लेकिन जब दोनों में से पहले बारी आएगी तो बड़ा भाई कौन है बेटा, प्रेफरेंस। तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग दे देंगे सबसे पहले 8000 रुपए का, बोलो हाँ है ना। बचा हुआ जो है वो क्या होगा, ई ए ई एस एच, फुल फॉर्म बोलो बेटा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है इस पर किसका किसका हक होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, सॉरी सिर्फ इक्विटी वालों का हक होगा। अब कंपनी के हाथ में है कि कंपनी इसमें से कितना डिविडेंड बांटना चाहती है और कंपनी इसमें से कितना पैसा रिटेन करना चाहती है, बोला एब्सोल्युटली क्लियर है क्या। अब एक काम करूं, एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, करो बड़ा सॉल्व अभी की अभी, चले ये तुम सॉल्व करोगे, ठीक है अभी के अभी। क्या चीज, रुक बे, सबर नहीं होता क्या तेरे को, रुकता कि नहीं, उतावला है क्या, क्या अबे आराम कर, कैलकुलेटर ढूंढ रहा। लो दो, नहीं नहीं मेरे को सब चाहिए भी नहीं। सेल्स 20,000 है क्या, बोलो हाँ है ना। लियो डा सेलिंग प्राइस, सब 100 रुपए में खरीद लो है ना, बीस रुपए का है, बोलो हाँ है ना। इसके बाद रेंट कितना है बेटा, 120,000 रुपए, बोलो हाँ है ना। डेप्रिसिएशन है मेरा 80,000 रुपए,
समझ में आएगा? लिखो टैक्स रेट 40%, ठीक है। कंपनी के पास, कंपनी का नाइन परसेंट बैंक लोन है ऑफ रुपीज 10 लाख, कंपनी के पास 12% प्रेफरेंस शेयर्स है रुपीज 5 लाख के, ठीक है। कैलकुलेट EAESH, कुछ रह गया कि सब आ गया? सब है क्या? सब है सर। रेंट एंड डेप्रिसिएशन साथ में लेस होगा, वो तो आप बड़ा दिमाग लगाओगे सर। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया जाता है एम्प्लॉय का, वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में आएगा ना? नहीं बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी सैलरी की तरह ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट में आएगा, ठीक है। करो भाई सॉल्व जल्दी से, मुझे EAESH निकाल कर दो। जब मैं हद से आगे बढ़ गया था सिक्की में, यानी जिंदगी को ले रहा मजा कहीं में। सर बोनस कितना लिखा है? बेटा बोनस तो लिखा ही नहीं है। क्या पढ़ रहे हो? आइला जादू? चलो भाई बताओ। नहीं नहीं करो आराम से। बैंक लोन बेटा 10 लाख रुपए 9% का, क्या? हाँ 10 लाख, 10 लाख। इंटरेस्ट कहाँ से निकालोगे? इंटरेस्ट 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 तो लोन पे ही आएगा। सर 10 लाख का 9%, यस बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर आ चुका है। विष्णु जी, यश गोयल, निधि द सेटी गेमिंग, निशा, वंशिका, सोनल, निशु, माही, अनुषा, ध्रुव, कनिका, आदित्य। 126 आ रहा है क्या? सारे बोलो बेटा, वीडियो लाइक करते चलो, ठीक है। करे क्या? कैसे करा? कैसे करा? क्वेश्चन करा क्या? पक्का? कितना आ रहा आंसर? क्या अरे डर थोड़ा भगवान से। पढ़ाई करा कर, टाइम पास करते रहता नुस्ता। चलो और 2 मिनट का टाइम दूंगा, फिर अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
दो मिनट बैठा और दो मिनट कर दो, सबको करने दो यार। ले ले ले, हो गया हो गया। चलो इधर डन, इधर डन नहीं क्या? चलो करेंगे सॉल्व। ये मेरे को मेहनत मत करने लगाओ, मैं इधर ही लिखता, ठीक है? चलो बोलो सेल्स कितना है, कितने यूनिट्स बेचे बेटा मैंने? 20,000 यूनिट्स बेचे क्या? और एक यूनिट कितने में बेचा है बेटा? बोलो सेल्स कितना आएगा? 10 लाख है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अरे चलो खत्म होने मेरे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 20 रुपए, तो कितना आएगा बेटा? 4 लाख। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना बचा है, इसमें से क्या लेस करेंगे? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। देखिए बताओ बेटा जी, क्या रेंट मेरा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है? क्या डेप्रिसिएशन मेरा ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है? दोनों मिलाकर कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? 6 लाख में से 2 लाख हटा दो, कितना बचा? ये 4 लाख क्या है बेटा? ईबीआईटी में से क्या हटाऊंगा? बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा? बोलो 90,000 कैसे आया? 10 लाख पर हमने कितना आ लिया, तो कितना आया? 4 लाख में से 90,000 गया, तो ईबीटी कितना बचा? अब 3,10,000 में आपको टैक्स रेट कितना आ दिया है, तो 3×10 का 40% कितना आ कटेगा? कितना? 1,20,000। कितना बचेगा पैट? 1,86,000। अब 1,86,000 में से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना कटेगा? 5 लाख का 12%। कितना कटेगा बेटा? 60,000 कटा, तो ईएईएसएच कितना बचा है? क्या आपको यही पूछा गया था? कितना है बेटा ईएईएसएच? 1,26,000। बढ़ गया क्या इनकम स्टेटमेंट बेटा? ये जो इनकम स्टेटमेंट है, ये आप बोल सकते हो कि FM का ABCD है। जितना ये इनकम स्टेटमेंट क्लियर, उतना समझ जाओ कि FM का ABCD क्लियर। अब ऑपरेशनल अप्रोच में अपने को बच्चों वाला इनकम स्टेटमेंट आ गया, फिक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, बच्चे खुश हो गए, वाह वाह वाह। एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट ये है, और इससे हार्ड नहीं होने वाला है, ठीक है? इससे हार्ड नहीं होने वाला है। चलो भाई ठीक है, अजी करेंगे आज का सेशन खत्म, डन है क्या? कौनो दिक्कत? अगर कौनो दिक्कत है तो कब पूछेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को क्या करेंगे? और वीडियो खत्म होने के बाद उसके नीचे क्या करेंगे और कैसे कमेंट करेंगे? बहुत अच्छे बेटा, ठीक है? मतलब एकदम ऐसे मस्त मस्त से कमेंट कर देने, ठीक है? मतलब आज ही ऐसे कमेंट करो। कैसे कमेंट करो बेटा? ऐसे कमेंट करो कि आशीष सर मेरे हाथ में ब्लैंक चेक ही दे दे, ये लो सर साइनिंग अमाउंट जितना चाहिए उतने ले लो, बच्चे इतने ज्यादा खुश है, ठीक है? अलावा इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कर लेंगे। होमवर्क बेटा मैं नहीं दूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ठीक है? लेकिन जब दूंगा तब अच्छा दूंगा, ठीक है? क्या चलो भाई ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद 2 मिनट निकाल देना और कमेंट कर देंगे, ठीक है? सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय 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 बेटा, बाय 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 बाय। होमवर्क बेटा चिंता मत करो, जब होमवर्क दूंगा ना तो आप बोलोगे सर मत दो, ठीक है? सर फाइनेंस अल्टीमेटली तो ऑपरेशन में यूज आता है, यस बेटा।
यस यस यस। चलो भाई ठीक है, सी ऑल, थैंक यू। बच्चे लोग आशीष सर को मिस कर रहे हो क्या? कल कल एक काम कर, नहीं नहीं कल एक बार आशीष सर को लेके आते, कल अपने सब बकर करते। नहीं सिखाऊंगा तो मैं ही, वो तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बार सर को लेके आते मस्त मंग, थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे याद कर रहे, ठीक है। चलो करेंगे सेशन खत्म, सी ऑल टुमारो, लव यू ऑल। वीडियो को मैं कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, घर पे जाएंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय 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 बेटा, बाय बेटा, ओल्ड न्यू सबको एप्लीकेबल है, सबको सबको सबको।